सम ऑफ टू डिजिट्स इज गिवन टू यू. सपोज कोई टू डिजिट के नंबर क्या है, एक्स वाई. ओके, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मैंने बताया था ना, वाई होता है वंस डिजिट, एक्स होता है टेंथ डिजिट. तो अगर आपको दोनों को अलग अलग लिखना है तो एक्स इंटू टेन प्लस वाई इस तरीके से लिख सकते हैं. सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट अगर आपको दोनों डिजिट्स को अलग अलग रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने बताया है. ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर 25 है, 25 है तो एक नंबर, सिंगल नंबर, लेकिन अगर हमें इसकी डिजिट्स अलग लिखनी है, टू और फाइव, तो ये तो वंस डिजिट है और ये टेंस है, ये वंस है, ये टेंस है. तो हम क्या करेंगे, टू इंटू टेंस मतलब टू इंटू टेन प्लस फाइव इंटू वन. सो टू इंटू टेन प्लस फाइव के तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको, आएगा 25 ही. ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, लेकिन यहाँ पर टू हमने अलग कर दिया और फाइव हमने अलग कर दिया, एक्स और वाई की तरह ना. और अगर मैं एक्स और वाई को इंटरचेंज करूँगा तो क्या जाएगा, वाई एक्स. तो वाई एक्स हो जाएगा वाई इंटू टेन प्लस एक्स. ओके, दिस ट्रांसफॉर्मेशन यू शुड नो. तो इक्वेशन में हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं. ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इक्वेशन के लिए. अब मुझे क्या कहा गया है, अब मुझसे कहा गया है इस क्वेश्चन में, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, आपने एक्स वाई लिया था, उन दोनों का सम अगर मैं करूँगा एक्स प्लस वाई, इट इज़ गिवन टू यू नाइन. ठीक है, तो एक तो ये मुझे दिया है, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन, फर्स्ट फैक्ट. सो व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर, जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये तो इंटरचेंज वाला है, ये वो रिजल्टिंग नंबर है, दिस इज द रिजल्टिंग नंबर, एंड दिस रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, दिस इज द ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है, ये रिजल्टिंग ओरिजिनल से 27 बड़ा है. इसका मतलब अगर मैं रिजल्टिंग माइनस ओरिजिनल, सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन. इसके अलावा अगर मैं रिजल्टिंग, जो रिजल्टिंग नंबर है, इसमें से माइनस ओरिजिनल नंबर करूंगा, सो आई विल गेट 27. व्हाई? बिकॉज द रिजल्टिंग नंबर इज 27 मोर, 27 ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर. रिजल्टिंग नंबर इज 10y प्लस एक्स. ठीक है, वाई इंटू टेन इज 10y माइनस ओरिजिनल नंबर इज, ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि माइनस का साइन है, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 27. ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, दिस विल गोइंग टू बी 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 27. ओके, एंड दिस विल गोइंग टू गिव मी, x की बात देखूँ तो अगर ये आ जाएगा माइनस 9x, ओके, प्लस 9y इज इक्वल टू 27. ओके, एंड इट विल गोइंग टू गिव मी, अगर सबको 9 से डिवाइड कर दूँ, इफ आई डिवाइड द होल इक्वेशन, ठीक है, बाय 9, सो इट विल गोइंग टू गिव मी एक्स प्लस वाई, सॉरी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ठीक है, आई एम डिवाइडिंग दिस. ओके, आपको अगर ऐसा नहीं आ रहा तो यू कैन टेक 9 कॉमन, आप 9 कॉमन ले लीजिए या माइनस 9 कॉमन ले लीजिए. ठीक है, मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ अगले पेज में. सो माइनस 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 27 था ना, आपने 9 कॉमन लिया तो यहाँ आया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 27, और माइनस एक्स प्लस वाई 27 अपॉन 9 हो जाएगा, और माइनस एक्स प्लस वाई विल गोइंग टू गिव मी 3. ओके, तो एक इक्वेशन ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, बस वेरी सिंपल. सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9. सबसे अच्छी बात क्या है, दोनों को सॉल्व कर लो, हमें साइन एक्स के चेंज है तो हम लोगों को डायरेक्टली ऐड करना है, एक्स माइनस एक्स विल गेट कैंसिल, वाई प्लस वाई विल गोइंग टू गिव यू 2y, 9 प्लस 3 12. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y तो 6 आ गया. पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन, तो यहाँ से x कितना जाएगा, x विल गोइंग टू गिव यू 3. ठीक है, आपने क्या करा, आपने 6 की वैल्यू कहीं भी रख दी. ओके, सो आपने y की वैल्यू 6 रखी तो x आ गया 3. इसका मतलब द नंबर इज एक्स वाई ना, एक्स वाई का मतलब है पहले 3 फिर 6, 36 नंबर है. 36 को अगर आप रिवर्स करोगे, इंटरचेंज करोगे, इट विल गोइंग टू गिव यू 63, और इफ यू विल ऐड 27 अगेन 63. ठीक है,